हे गाइस, वेलकम बैक टू श्यामा चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है। आई थिंक आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम हमारी लाइफ में किसी एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, जहां से हम निकलना चाहते हैं बट नहीं निकल पाते। ठीक है, अब वो विशेष सर्कल कुछ भी हो सकता है यार। मेंटली हम अपने आप को कुछ नेगेटिव बात कहते हो, या हमारी लाइफ में एक्चुअली कोई परेशानी है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते, हम जो सक्सेस डिजर्व करते हैं वो सक्सेस हम नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ऐसी क्या चीजें हैं और ऐसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप फंसे हुए हो? कौन सा ऐसा विशेष सर्कल है, कौन सा ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप फंसे हो और जो आपकी सक्सेस को रोक रहा है, जो आपकी सक्सेस को, जो लाइफ आप डिजर्व करते हो, जो खुशी आप डिजर्व करते हो, उन खुशियों को रोक रहा है? ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है और उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलो? यहाँ पे गॉड गाइडेंस निकालेंगे, मतलब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस निकालेंगे। ओके, यहाँ पे दो पायल्स हैं। फर्स्ट है चेरी, डार्क चेरी कलर है। सेकंड है एमरल्ड, मतलब जो पन्ने का कलर होता है ना वो। दिमाग में क्वेश्चन रखना कि मैं अपनी जिंदगी में कौन से चक्रव्यूह में मैं फंसी हूं और मैं उसे बाहर कैसे निकलूं। और उसके बाद जो कलर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो कलर आप चुन सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी चेरी का कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में कौन से ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हो, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हो जहां से आपको निकलना बहुत मुश्किल लगता है, और उसको निकलने के लिए क्या करें हम आगे ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आप अपनी लाइफ के कौन से विशेष सर्कल में फंसे हो। ओके, ओके, थ्री ऑफ कप्स, ये फैमिली के लोग, रिलेशनशिप, और इवन आप में से कुछ लोग पार्टनर, ठीक है, मैरिज पार्टनर और फ्रेंड्स, उनके साथ, मतलब ये एक टाइप का ओवर इंडल्जेंस है। ओवर इंडल्जेंस मतलब आपकी खुद की जिंदगी में आपके आसपास के लोगों का, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि आप अपनी लाइफ जो है ना वो कहीं जीना भूल गए हो। जो आपकी जिंदगी है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रूल हो रही है, बहुत ज्यादा डोमिनेट बोलूं या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है आपके आसपास के लोगों की वजह से। और इवन ये सोशल मीडिया भी हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर ओवर इंडल्जेंस की बात बोलो तो ओवर इंडल्जेंस सोशल मीडिया भी हो सकता है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे दुनिया बहुत अलग दिखती है, बहुत रंग बिरंगी दिखती है, बहुत हाईफाई दिखती है, बहुत ग्लैमरस दिखती है, जहां बहुत नॉर्मल है बहुत अट्रैक्ट होना, ठीक है, इस दुनिया के लिए। बट एक्चुअली में रियल में जो ये दुनिया है ना, ये सिर्फ ऊपर से दिखती है, अंदर से कुछ और है। तो इस दुनिया, ये जो बाहरी दुनिया है ना डियर, ये जो बाहरी दुनिया, ये बाहरी जो दिखावे वाली दुनिया ना, आप शायद कहीं ना कहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी दुनिया से अट्रैक्ट हो रहे हो। और कभी कभी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करते हो जो एक्चुअली जरूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बट क्योंकि हमारा ये टेंडेंसी होती है ना, ह्यूमन फॉर्म्स, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम भी कुछ अच्छा करते हैं, या कोई भी ऐसा ट्रेंड, फनी ट्रेंड चल जाता है, या कोई भी ऐसी चीज होती है। तो मुझे यहां ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी का मैक्सिमम जो पार्ट है ना डियर, मैक्सिमम टाइम जो है ना, वो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में और ऑनलाइन मीडिया या जो होते हैं ना एंटरटेनमेंट वाली जो चीजें होती है उनमें भी जा रहा है। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है देर आर सम डीप वूंड्स, मतलब डीप वूंड मतलब बहुत, समझ रहे हो, गहरे वूंड्स, गहरे जख्म जो पास्ट में कभी हुए होंगे किसी के साथ आपके रिलेशनशिप में। और ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है ना, कोई भी, लवर, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी। ओके, सो ये जो वूंड्स है ना, ये जो जख्म है, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं आपको आपको अपनी जिंदगी जीने नहीं दे रहे, ठीक है। ये जो जख्म आपके दिल में या आपके अंदर जो है, ये पूरी तरह से भरे नहीं है, बट ये क्योंकि आपके आपका एनवायरमेंट ऐसा है कि वो जख्म कभी भरने ही नहीं देता, ठीक है, वो जख्म हील ही नहीं होते हैं और वो और गहरे और होते जाते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता, आपको यहाँ पे
बैलेंस बिगड़ता हुआ लग रहा है आपकी जिंदगी का, ठीक है। सबकी लाइफ में किसी ना किसी का प्रभाव होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट आप अपनी लाइफ में लोगों का प्रभाव कितने हद तक इन्फ्लुएंस करते हो, कितने हद तक अलाउ करते हो? यहां तो ऐसा लग रहा है डियर, आपके दिल दिमाग में ना बहुत सारी चीजें रहती है, जो आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पार्टनर से बहुत सारे लोग लाइक ना ओवर इंडल्जेंस, अगर मैं बोलूं तो वो कोई किसी टाइप की हैबिट, ठीक है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलना जुलना। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जब आपको जरूरत होती है एक क्वाइट टाइम की, एक अकेले अलोन टाइम की, जहां पे आप खुद के साथ साइलेंस में बैठे हो, खुद के साथ बात कर रहे हो, इनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही है, ठीक है, कमांड तो आपके हाथ में ना, बट वो जो खुद का आपका स्पेशल क्वालिटी टाइम है ना, वो यहाँ पे बहुत कम, बहुत बहुत कम दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना काफी हद तक आउट ऑफ बैलेंस जा रही है। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये तो पक्का है ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे लोग हो जिनके खुद के लोग, जिनके अपने खुद के लोग ना बहुत हर्ट करते हैं, स्पेशली बातों से, स्पेशली गॉसिप से, ठीक है। मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी फैमिली में हो जहां पे शायद गॉसिप्स होती हैं, या चाहे ना आपको बहुत ज्यादा फ्री नहीं रहना दिया जाता। जैसे एक होता ना कि एक फ्री इन्वायरमेंट हो रहा है जहां पे खुशियां हैं, जहां पे प्यार है, वो चीज यहाँ नहीं दिख रही, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ, ये भी हो सकता है कि कभी कभी ये होता है ना कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे फैमिली वाले बोलूं या हमारे फ्रेंड्स बोलूं, या जिन्हें भी आप अपनी लाइफ में बहुत कदर करते हो, जिनकी वैल्यू करते हो, कोई भी ऐसे लोग जो आपके साथ रहते हो, जिनका आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट हो, वो चीज वो ना मतलब आपसे कुछ और चाहते हैं और आप अपनी लाइफ से कुछ और चाहते हो, ठीक है। वो जो आप उससे चाहते हैं, या मतलब मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज को तोलते हैं, हर चीज को देखते हैं, ठीक है। अब प्लीज, हाँ, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, मेरा यहाँ पे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके फैमिली मेंबर्स की बुराई करूं, या मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी बात बता रही हूं कि मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा जो सर्कल, सोशल सर्कल जिसमें आप उठते बैठते हो, ठीक है, वहां पे ना लोग ऐसे हैं, ये आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स भी हो सकती है यार, ठीक है, ऑफिस में और कलीग्स में और जहां जिनसे आप मिलते हो, वो ऐसे लोग हैं जो खुद तो कुछ ज्यादा करते नहीं है और वो आपको भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने देते, ठीक है। वो आपसे कुछ और चाहते हैं, ठीक है, जबरदस्ती कहते ना डाउन करने के लिए, मतलब कहते ना जबरदस्ती कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस या ऐसी चीजें थोपते हैं कि, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जांपल के तौर पे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वो तो ऐसा नहीं करता था, वो कंपैरिजन वाली जो चीजें होती है या कोई भी ऐसी जो चीजें होती है ना, उनको लेके आपको ना एक पर्टिकुलर आउटलाइन में बांध देते हैं, ठीक है, जहां पे ना आपको, जहां पे आप बिल्कुल अपनी लाइफ कहते हैं ना फ्री अंदाज में जो जीना, फ्री ट्रैवलिंग, फ्री मस्ती, खुश मिजाज रहना, वो जो चीज है ना वो मुझे यहां नहीं दिख रही, ठीक है। तो आपके जो भारीपन है ना, आपकी लाइफ में जो भारीपन बोलूं या नेगेटिविटी बोलूं, वो मुझे आपके आसपास के लोगों, आपके फैमिली फ्रेंड्स, या जिनका इवन आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर, ठीक है। एंड प्लीज, हाँ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, बट यस, देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज यू आर शेयरिंग कप्स ना, ठीक है, यू आर शेयरिंग देयर कप्स। तो जब भी आप कुछ अपनी बातें कहते हो तो वो ना आपके ना दिल की बात नहीं समझते, कैसे बोलूं, मतलब मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोग हो जिनको समझने वाले लोग ना, जिनको समझने वाले रिश्तेदार बोलूं, जिनको समझने वाले अपने लोग ना बहुत कम है, आपको समझा बहुत कम जाता है, आपकी दिल की जो इच्छा है ना, जो आप चीजें कहते हो या जो करना चाहते हो, उनके पीछे का इंटेंशन कोई नहीं समझता, सब लोग आपको, मैक्सिमम लोग आपको जज कर लेते हैं, ठीक है। यहां मुझे ये भी दिख रहा है, आपको जज कर लेते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो, बाकी सब तो नॉर्मल, मतलब ना इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोग ना, आपके आसपास के लोग बहुत जेलस है, बिकॉज क्योंकि आप शायद अपनी लाइफ बहुत देखिए, यहाँ पे ना चेरी की, यहाँ पे क्या, लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और यहाँ पे द फूल, और द फूल इज लाइक
मस्त रह रहा है यार, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, उसको किसी और चीजों से मतलब नहीं है। आपको शायद बहुत ज्यादा लोगों से मतलब हो ना हो, मतलब आपको लोगों की जिंदगी में ज्यादा दखल देने का अंदाज कुछ वो नहीं है, आप अपनी जिंदगी मस्त जीते हो, बट फिर भी लोग ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपको सपोर्ट करने वाले लोग जो है ना वो बहुत कम है, और आपको नीचे गिराने वाले, आपको ना कैसे बोलूँ, वो एक होता है ना, जब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत अच्छे से कपड़े पहन के कहीं बाजार जा रहे हो, और या कहीं अपनी कॉलोनी में निकल रहे हो, और आपको लोग ऐसे देख रहे हैं, मतलब अलग निगाहों से देख रहे हैं, वो जो फीलिंग है ना, मुझे वो फीलिंग यहाँ पे देख रही है। ठीक है, और देखते हैं एक मिनट कौन से विशेष सर्कल में फंसे हैं ये लोग। सी, सिक्स ऑफ कप्स, ये तो आपके ये इमोशनल चाइल्डहुड वाले रिलेशनशिप ही हैं। ठीक है, ये जो बचपन से कह सकती हूँ या पास्ट लाइफ का कनेक्शन कह सकती हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जिंदगी जीते हैं, या तो पास्ट लाइफ से जी रहे हैं या अभी आपके साथ जी रहे हैं, मतलब ना ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, सी, नाइन ऑफ वॉन्स, देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, देखिए डियर, ये तो पता है क्या, जैसे आप जिस टाइप की जिंदगी जीना पसंद करते हो या जीते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपके आइडियल आइडियाज है, जो आपके थॉट्स है, जो आपके मॉरल्स है, ठीक है, वो इन लोगों को समझ में नहीं आते। ठीक है, वो तो आपकी आपकी भाषा अलग है और उन लोगों की भाषा अलग है। ओके, एंड प्लीज, हाँ, मेरा यहाँ पे इस वीडियो का इंटेंशन जो है वो सिर्फ एक यही इंटेंशन है कि मैं आपकी लाइफ में एक ऐसा विशेष सर्कल जो आपको आपकी लाइफ में खुशियां आने से रोक रहा है, मैं वो चीज दिखाना चाहती हूँ। आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, कैसे सक्सेस मिले, मैं वो चीज चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ यही इंटेंशन है, बाकी कोई पंचायत करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ना देखिए डियर, आप इवन आप में से कुछ लोग जो किसी को पसंद करते हो, ठीक है, तो आपके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। आप जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हो, जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में ना शौकीन ब्रांडेड चीजें खरीदते हो, या इवन आपका कोई ऐसा काम है, ठीक है, हो सकता है कि आपका कुछ मतलब आपका कोई शौक ऐसा हो जो जो आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं है। ओके, उनको लगता है कि यार, मतलब ना मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप शायद हटके रहते हो, या तो आपका कहते हैं ना, जैसे आपका लुक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपके आसपास के लोगों के कंपैरिजन में आपका लुक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या आपको अलग शौक होंगे, अलग अलग ना, मतलब मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हेल्थ और फिटनेस, स्पोर्ट्स या कोई भी ऐसी चीजें, इनमें आपका इंटरेस्ट होगा, या फिर ना अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, और मतलब महंगा कपड़ा, महंगा अच्छा चीजें खाना, उनमें आपका इंटरेस्ट होगा। ओके, एंड यस, ये आपकी जिंदगी है और आप इसे ऐसे जीना चाहते हो, बट समहाउ मतलब आप कहीं ना कहीं ये जो लोग आपके आसपास जो है ना, जो भी, ये देखो, हम अपने रिलेशनशिप वालों से बहुत ज्यादा आगे, मतलब हम उनसे बच के कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, वो तो हमारे साथ पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको हर्ट करते हैं। ओके, मैं एक मिनट, 9 ऑफ वॉन्स क्यों आया वो देखना चाहूंगी। ओके, वो कार्ड जो है वो नीचे गिर गया है। ठीक है, एक मिनट वेट करना है। जो ये 9 ऑफ वॉन्स का जो कार्ड आया ना, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। पता है मुझे यहाँ तो ये भी लग रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं, आपकी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, कुछ अलग करने की, अलग मतलब यहाँ ये लग रहा है कि लाइक ना एक वो नहीं होता कीचड़ में कमल वाली जो चीज नहीं होती है, मुझे वो दिख रही है। ठीक है, सो यू वॉन्ट टू बी एन टू लिव एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ। ओके, वो उनको पता है क्या,
एक और चीज यहाँ पे ना, ये मतलब वो आपको जब देखते हैं ना, उनको लगता है कि हाउ शी इज, हाउ ही और शी इज हैप्पी ब्राइट, और इवन ना मतलब हमेशा हंसते खेलते रहना और ये चीजें. ठीक है, एक मिनट और देखते हो. वाइज नाइन ऑफ वांड्स. इंस्टिंक्ट. ओके. ओके. यहाँ पे है ना, जो जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हो, पता है क्या? सी डियर, जो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, ठीक है, यार मैं कह सकती हूँ कि व्हाट हैपन्स, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ का रास्ता मतलब अपने आप मिल जाता है. ठीक है, आपकी लाइफ में जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो है ना वो उस चीज से भी परेशान होते हैं. मतलब लिसन डियर, यहाँ पे आपके आसपास के जो लोग हैं ना, अभी आसपास के लोग कोई भी हो सकते हैं, ये इवन थर्ड पार्टी भी हो सकती है. ठीक है, प्लीज. हाँ, मैंने थर्ड पार्टी नहीं कहा, बट अभी मैं कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, कहते हैं ना, जो इवन आपकी रिलेशनशिप के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है. वो थर्ड पार्टी सिर्फ मेल या फीमेल नहीं, मतलब मम्मी पापा या कोई भी ऐसे मतलब फैमिली मेंबर. ये एक्चुअली आपको देख के इनके पता है क्या थॉट्स रहते हैं? ये थॉट रहता है कि सी मतलब इसको हर पल इसके साथ कोई ना कोई शक्ति चलती है. आपके आसपास के जो लोग हैं ना डियर, आपके आसपास के लोग एक्चुअली दे फील जेलस. उन्हें ना ताज्जुब होता है कि आपको हर टाइम कोई ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हो, यहाँ पे आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो एक्चुअली आपकी तरफ देखते हैं और वो अंदर ही मन ही मन में ये चीज सोचते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ की ऐसी मुश्किलें भी पार कर जाता है जो बहुत मुश्किल दिखती है उन लोगों को. ओके, जो बहुत मुश्किल दिखती है, मतलब जो चीजें बहुत चैलेंज भरी लगती है ना, वो आपके लिए शायद इजी लगती है. उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपकी लाइफ में सब कुछ, अगर कुछ खराब हो भी रहा ना, तो एट द एंड सही हो जाता है. ठीक है, एट द एंड सही हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, और आपको फिर भी टाइम मिल जाता है रिलैक्स होने का, मस्ती करने का, आराम करने का, ठीक है, इंजॉय करने का. तो वो इस चीज से जलते हैं. ओके यार, मतलब कभी कभी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मुझे बेहद मतलब बेहद अचरज भी होता है और मुझे बहुत कुछ पता भी पड़ता है लाइफ में ना, कि अच्छा ऐसा भी होता है. तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो चक्रव्यूह है ना डियर, आपकी लाइफ में आपके अपने लोग ही आपके लिए चक्रव्यूह बनाते हैं. ओके, आपके अपने लोग ही आपके लिए चक्रव्यूह बनाते हैं, और वो उसी क्योंकि आप दिल से बहुत भोले हो, आपको ना ये चीजें समझ में नहीं आती, आप अपनी लाइफ ही जीने में विश्वास रखते हो, और जिसकी वजह से ना आप ये चीजें नहीं समझ पाते हो. बट पता है क्या, आपको ये चीजें समझने की जरूरत भी नहीं है. ये चीजें समझने की इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड. आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइन शक्ति कह लो या डिवाइन एनर्जी कह लो, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपको हर पल आने हो क्या होने वाला होता है ना, उससे पहले ही आगाह कर देती है, एंड आप वो चीजें करते हो जो सही होती है. ठीक है, और उसके बाद ना यू यू रिलैक्स. ठीक है, ये चीजें दिख रही है. ओके, सो यस, यहाँ ये आपका जो चक्रव्यूह है ना, आपका चक्रव्यूह आपके रिलेशनशिप में है. ठीक है, रिलेशनशिप ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये सिर्फ लवर वाला नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, पार्टनर वाला नहीं. हाँ, पार्टनर वाला हो सकता है. ठीक है, क्योंकि पार्टनर वाला जो रिलेशनशिप होता है वो लाइफ का मेजर रिलेशनशिप होता है. बट फिर भी मम्मी पापा, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, ओके, ये ऐसा रिलेशनशिप है, और भाई बहन या जेठानी ननंद, कोई भी ऐसे लोग, या इवन आपके वर्क प्लेस पे लोग जो होते हैं ना, वो भी. ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं गिराने में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने में रहते हैं. चलो अब देखते हैं कि आप इस विशेष सर्कल से बाहर कैसे निकलो. सबसे पहले मैं ये कार्ड्स लूंगी. Thank you.
ओके डियर, जो चेरी वाला ग्रुप है, अगर मैं इनके लिए बोलूं कि ये अपने ना विशेष सर्कल से कैसे बाहर निकले, तो सबसे पहली बात डियर, आप अपनी लाइफ से कुछ टाइम चुराया करो अपने लिए। ओके, कुछ टाइम चुराया करो अपने लिए जहां पे ना आप सिर्फ रेस्ट करो। ओके, सिर्फ रेस्ट करो। और मतलब लाइक, पता है क्या, आप लोग एक्चुअली ऐसे लोग हो, यू आर काइंड ना, मतलब मुझे यहाँ पे ना वाटर एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही, इमोशंस वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही। तो आप, जब आपके इमोशंस क्लियर नहीं होते, जब कभी कभी होता है ना, बिकॉज यू एब्जॉर्ब नेगेटिव एनर्जी। इमोशंस मतलब वाटर, वाटर मीन्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी खुद की एनर्जी को बैलेंस करने में। कभी कभी आप खुद नोटिस करते होंगे कि आपको ना अजीब सा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, अजीब सा ना भारीपन महसूस हो रहा है, जो भी चीजें होती है ना, मतलब क्योंकि आप के आसपास जहां पे भी आप रहते हो या जहां पे भी आप जाते हो, जहां पे भी आप काम करते हो, कुछ ऐसी चीजें। तो आपको कुछ पल अपने लिए जरूर निकालने चाहिए जहां पे ना जस्ट मतलब लाइक नो फोन, ओनली लाइक सिटिंग, मेडिटेटिंग, और मतलब लाइक गुड डीप स्लीप। गुड डीप स्लीप जहां पे ना आप इन लोगों को, दुनिया को ये भूलो, ठीक है। और वन थिंग मोर, सी डियर, यहाँ आप जैसे लोग हैं ना, पता है मुझे आपकी वाइब्रेशंस कैसी फील होती है? आपकी वाइब्रेशंस ऐसी फील होती है लाइक यू हैव सच अ लविंग लविंग एनर्जी ना, वेरी लविंग एनर्जी, वेरी ऑनेस्ट एनर्जी, ठीक है। आपकी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब लाइक आप अपनी जो जिंदगी है ना, उस जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, ठीक है। अच्छे खूबसूरत रहना चाहते हो, एक ऑनेस्टी वाली लाइफ जो कहते हैं ना, वो जीना चाहते हो। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की, मतलब मैक्सिमम लोगों की आईज जो है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। आईज पता है क्यों ब्यूटीफुल होगी आपकी? बिकॉज आपका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, आपका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, और इवन आपको जो भी सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, आपको अपनी ब्यूटी से शायद बहुत ज्यादा मतलब ना आपको अपने आपको पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो क्योंकि आप खराब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो। तो आपको रेस्ट करना आना चाहिए, खुद को हील करना आना चाहिए, खुद को हील करना आना चाहिए। जो आपका जो मेल और फीमेल पार्ट होता है ना, हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट जो हमारे खुद के अंदर है, ठीक है, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। कभी कभी आपका फेमिनिन साइड जो है ना, वो बहुत ज्यादा ओवर मतलब रूल करने लग जाता है मैस्कुलिन साइड को। मतलब आप इमोशंस में कभी कभी बहुत ज्यादा बह जाते हो। तो इमोशंस में नहीं बहना है, एक्शंस करते रहना। और एक चीज और, आप में से बहुत सारे लोगों को लेजीनेस लेजीनेस या ये सब चीजें सताती होंगी, है ना, ये भी चीज होगी। सो रेस्ट करो, हाइबरनेट करो, बट बहुत ज्यादा जब लेजीनेस करते ना, तब वो एनर्जी तब भी डाउन होने लग जाती है। तो आपको अपनी एनर्जी को कैसे रेगुलेट करना ना, सबसे बड़ा जो इश्यू है ना, सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना, वो यही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि विशेष सर्कल आपके आसपास के लोग हैं विशेष सर्कल, यस हैं, बट यू आर मोर पावरफुल देन एवरीबडी इन एवरीबडी। आपके आसपास के लोगों से कहीं गुना ज्यादा आप पावरफुल हो। आपको अपनी एनर्जी को हील करना, सही करना, प्रोटेक्ट करना, ये सब चीजें आनी चाहिए। और अगर नहीं आती ना, तो इसी डियर आप अपनी लाइफ में ये चीजें सीखो। ओके, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं सीखोगे ना, आप बार बार इसी ट्रैप में जो है ना, वो फंसते रहोगे, और आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाओगे। आप मतलब आई होप आप हमेशा खुश रहो, ठीक है। बट यस, यू हैव टू बैलेंस दिस ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड। ओके, और देखते हैं। यस, सी डियर, यहां तो यही चीज लग रही है कि है ना, आप अपनी लाइफ में ना कुछ कहते हैं ना, लाइक न्यू थिंग, न्यू करियर चेंज, या नई जिंदगी फिर से स्टार्ट करना, या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जिसमें आप फिर से, आपको जरूरत पड़ती नया कुछ करने की, या रिलेशनशिप, नए रिलेशनशिप में जाने की, या नई जॉब में जाने की। यू आर नॉट रेडी, आप बहुत ज्यादा रेडी नहीं रहते हो, ठीक है। क्योंकि आप इसलिए रेडी नहीं रहते हो बिकॉज एक तो सबसे पहली चीज ये, आपको पास्ट की बहुत सारा चीजें सताती रहती है, पुरानी चीजें बहुत ज्यादा सताती रहती है, ठीक है। पुरानी चीजें जो खराब भी होंगी ना, फिर भी ना आपको उनकी मेमोरीज सताती रहती है। ओके, और जिसकी वजह से ना आपको लगता है कि नहीं, ठीक है यार, हो जाएगा, ठीक है, बस यह हो जाएगा। सो ना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाता जाते हो। ओके, वन थिंग दिस, एंड सेकेंड थिंग,
सेकेंड थिंग डियर, आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट करो, ठीक है? इवन रिलेशनशिप वाइज मैं कहना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज मीन्स जब कोई इंसान आपकी लाइफ में अच्छा आता है, जब आपको कोई वैल्यू करता है, बट आप अपने पुराने रिलेशनशिप की वजह से परेशान होते हो, तो सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाते हो, या अपने नए करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है? तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। एंड अगर बात करूँ ना कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से क्या चीजें रोक रही है, तो सी मैंने ये यहाँ पे ना बिल्कुल सिंपल सी एक बिल्कुल क्लियर कट बात बोली है कि डियर है ना, जिस चीजों को आप खुशी समझते हो, जिन चीजों पे आप, जहां पे आप खुशी देखते हो ना, एक्चुअली खुशी वहां नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि फैमिली फ्रेंड्स और इनके साथ टाइम स्पेंड करना, यस इट इज वेरी गुड, बट कितनी बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे होते हो जहां पे आपकी एनर्जी आपको मिलने के बजाय आपकी एनर्जी जा रही होती है, ठीक है? आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी ना, वो आपकी एनर्जी ले रही होती है, आपको ये चीज पता भी नहीं पड़ती और कब आपकी एनर्जी फट गायब हो जाती है, ठीक है? एंड आप ड्रेन्ड हो जाते हो और आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप बैठते हो, ठीक है? या तो बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम हो आपका, आपके आसपास के लोगों का बहुत क्वालिटी टाइम हो, नहीं तो पता ही क्या, ये आपके जो भी लोग हैं ना, इवन जो भी जो ये गॉसिप वाले जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा ऐसे गॉसिप्स करते हैं, या ये जो चीज होती है ये है ना, ये इनमें ये खुद तो अपना टाइम वेस्ट करते ही हैं और ये आपका भी बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, और उनको लगता है कि मतलब मुझे यहां लग रहा है वो आपको फोर्स करते हैं अपनी लीग में लाने के लिए, अपनी अपने जैसा बनाने के लिए ना, वो आपको फोर्स करते हैं, पता है ये चीज होती है। और इवन मतलब मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि डियर ये जो चेरी वाला ग्रुप है ना, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो जहां ये है वहां नहीं, उनसे उस जगह से दूर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो यू नीड टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम, मतलब अगर मैं कर्म की बात बोलूं, आपका कर्म भूमि जो है ना, वो आपकी कर्म भूमि थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, ठीक है? एंड प्लीज याद रखना, इट इज अ वेरी जनरल रीडिंग, बट यस, अगर आपको बिल्कुल डेडिकेटली और कंसेंट्रेटली काम करना है, खुश रहना है, अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ करनी है, तो आपको है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, अपने आप को डिटैच करना आना चाहिए, अपने आप को मतलब ना, यू हैव टू से नो, नो कहना आना चाहिए खुद के लिए, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी। जब आप फिसलते हो ना कि यार चलो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, चलो चलो, तो आपको खुद को भी नो कहना आना चाहिए, ठीक है? एक बहुत ही स्ट्रांग विल पावर, बहुत ही स्ट्रांग डेडिकेशन, स्ट्रांग है ना फोर्स, विल पावर फोर्स इनकी जरूरत है, ओके? तो अगर मैं विल पावर फोर्स करेज इनकी बात करूं ना, तो यहाँ पे मुझे ये चीज याद आती है कि अगर आप अपना रूट चक्रा, बिकॉज पता है आपका ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी की कहीं कमी नहीं है, आपके अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत ज्यादा है, बट आपके अंदर ना कहीं आप ढीले हो। ढीले मीन्स आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी, आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी जहां पे ना आपने अपने लिए, खुद के लिए, कि आपको क्या चीजें चाहिए, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, उन चीजों में ना आपने बहुत ज्यादा चीजें सेट नहीं करी, आप बहुत ज्यादा गुल मिल गए हो। तो आपको, अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, अगर आपको कुछ अलग हटके बड़ा बनना है, तो आपको अपने आप को ना अपने आपको खुद को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद को खुद के गुरु खुद बनना पड़ेगा, ओके? एंड जब अगर आप इस विल पावर, इस फोर्स के साथ काम करोगे ना डियर, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 चेरी वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी एमराल्ड का कार्ड चूज किया है, आइए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में कौन से चक्रव्यूह में फंसे हो, ओके? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप, जहां पे आप स्टक हो, जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जहां से आप सक्सेस के लिए कदम नहीं उठा पा रहे हो? लेट्स सी। जो ये सेकेंड वाला ग्रुप है, एमराल्ड वाला, तो एक्चुअली ये ग्रुप अपनी लाइफ में काफी एम्बिशियस है। इनके
ड्रीम्स हैं, इनके सपने हैं, इनको अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, ठीक है। बहुत रियलिस्टिक लोग हैं ये, बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं, ओके। ये इनके हाथ जगन्नाथ वाली फीलिंग है, ठीक है। ये बहुत मेहनत करने से नहीं कतराते, और अगर इनको बोलो ना कि ये खाली बैठ जाए तो ये खाली बैठ ही नहीं सकते। मतलब अगर ये इनके लिए ये विशेष सर्कल है, ठीक है, इनके लिए ये विशेष सर्कल है, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑलवेज बिजी, ऑलवेज वर्किंग, ओके। और इनके लिए काम जो है ना, मतलब जैसे इंसान को जीने के लिए सांस जरूरी होती है, इनके लिए इनका सांसों के साथ इनका काम जरूरी है। अगर काम नहीं है तो ये लोग एक्चुअली में अंदर से पता नहीं, इनका एक पार्ट जो होता है ना वो मर रहा होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसी बात कह रही हूँ, बट येस इट इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, इस पाइल में कुछ लोगों की अपोजिट कहानी, अपोजिट कहानी मतलब कैसे, जैसे कि कभी कभी आप खुशी से काम नहीं करते हो, मतलब आपके ऊपर जो बर्डन है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ड्यूटीज का, आप हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, ठीक है। आपका या तो घर में कुछ ऐसा काम हो, या अगर आप हाउसवाइफ हो या घर में रहते हो तो घर में कुछ ऐसा काम है जहां पे आपको पूरे दिन भर लगे रहना पड़ता है, और आपकी इच्छा नहीं होती फिर भी आपको लगे रहना पड़ता है। आपको इच्छा होती है कि आपकी कोई हेल्प कर दे, आपके काम बढ़ जाए, बट नो, आपको रेस्ट नहीं मिल पाता। और इवन अगर आप ऑफिस में हो तो आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत टेंशन रहती है, हर टाइम पे आपको किसी को जवाब देना पड़ता है, मतलब स्ट्रेस वाला काम नहीं होता, एंजाइटी वाला काम, वो चीज दिख रही है। मतलब देयर इज नो ईज, ईज नहीं है यहाँ पे, ऐसी चीज नहीं दिख रही कि आप आराम से फ्लो के साथ, कहते हैं ना लाइफ के फ्लो के साथ काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो एनर्जी है ही नहीं और फिर भी चले जा रहा है काम, मतलब टायर में हवा नहीं है, पंचर पर गाड़ी चले जा रही है। और क्योंकि अब आपके साथ ना एक प्रेस्टीज बन गई है, ठीक है, अब आपकी पर्सनालिटी के साथ ना एक प्रेस्टीज बन गई है कि यार ही और शी इज मोस्ट सिंसियर एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो आप उस प्रेस्टीज से कभी छूटने की कोशिश भी करते हो ना, तो आपको ना ये प्रेस्टीज बोलो या आपकी ये पीछे भागती है आपके, और आपको काम करना पड़ता है। जो लोग आपको रिस्पेक्ट के साथ देते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट पे करते ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लग, सबको अच्छी लगती है, तो आपको भी अच्छी लगने लगी है। इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इनका नाम, इनका सम्मान, इनकी रिस्पेक्ट, इनका स्टेटस, इनकी अथॉरिटी, इनका मतलब ये लोग ऐसे हैं, ये छोटे रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज भी है कि हम हमारी लाइफ में एक्सपैंड करने के लिए तो आए हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तो आए हैं, ग्रो करने के लिए तो आए हैं, बट दीज पीपल, अगर इनकी लाइफ में कुछ फेलियर होता है, ओके, कुछ भी खराब होता है, फेल होते हैं, तो ये लोग एक्चुअली बाकी लोगों के कंपैरिजन में ना ये बहुत जल्दी भुलाते नहीं है। इन लोगों के लिए फेल होना, फेलियर होना मतलब जिंदगी फेल होना, और जबकि जिंदगी रुकती नहीं है, बट ये लोग अपनी जिंदगी रोक लेते हैं। कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखते, अपने आप को कहीं हारता हुआ देखते ना, तब ये एक्चुअली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, सैडनेस में चले जाते हैं। इन लोगों को एक्चुअली अपनी लाइफ में कोई और जो रास्ता है ना, जिंदगी खुश रहने के लिए, अगर इनके लिए खुश रहने की बात बोलो ना, नशे की बात बोलो, तो इन लोगों के लिए इनका काम ही नशा है, ठीक है। ये अपने उस काम वाले जो नशे होते हैं ना, उसमें काफी इंजॉय करते हैं। इनके लिए लोगों को जानना जरूरी है इनके लिए कि हाँ देखो ये ऐसा काम करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। अगर आप सिंपल हाउसवाइफ भी होंगे ना, तब भी मतलब यू विल बी वेरी गुड इन कुकिंग या क्लीनिंग में और कुकिंग में, इनमें बहुत परफेक्ट होंगे ये, जो भी काम करेंगे ना ये परफेक्ट करेंगे, ओके। तो इन लोगों के लिए कोई मीडियम जो चीज होती है ना, मीडियोकर चीज है, वो ये रहना पसंद करते नहीं है। दे वॉन्ट टू एक्सेल, ये अपनी लाइफ में कोई किसी चीज के लिए जानना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं लोग इन्हें जाने, इन्हें पहचाने, ठीक है, कि ये इनके अंदर यही क्वालिटीज है। बट व्हाट हैपेंस ना, ये लोग अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। अब आप बोलोगे कि यार लव रिलेशनशिप और जैसे फर्स्ट पाइल में आया, अब यहाँ पे काम, तो ये ही तो जिंदगी है। बट यस, ये जिंदगी के बहुत अहम पार्ट है जिसके बिना इंसान नहीं जी सकता, ये फाउंडेशन है। बट हम जब इनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जब हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब कुछ भी गड़बड़ होती है ना, चाहे हमारे काम में चाहे रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ होती है, तो वो गड़बड़ का इफेक्ट इतना ज्यादा प्रभाव करता है ना, तो
इतना ज्यादा प्रभाव करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि हम एक्चुअली अपनी सेहत पे, अपनी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो डिट्योरेट होने लगती है। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली जब आपका काम इफेक्ट होता है या आपका स्टेटस इफेक्ट होता है या आपको कुछ भी कुछ ऐसा कहा जाता है जो आपकी आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है या आपकी कोई बुराई करता है, तो व्हाट हैपेंस ना, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। एंड ये जो लोग हैं, ये लोग आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर इनकी कोई तारीफ करता है और इनको फील होता है जेन्युइन है, तो ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और जब इनकी कोई बुराई करता है तो ये बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं। तो इनका जो फीलिंग और इमोशनल स्टेट है ना, वो अप एंड डाउन बहुत जल्दी होता है। तो ये अपने सेंटर पोजिशन से बहुत जल्दी हिलते हैं, और जिसकी वजह से ना इनको शायद बीपी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कुछ ऐसी चीजें होती है ना, बीपी, शुगर या कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है। आप प्लीज है ना, आप बोलोगे कि ये मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ये अच्छी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, स्टे प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस। बट अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में अप एंड डाउन्स देख लिए है, तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर रही होंगी। मतलब एक कहते ना, साइलेंस में जाना, काम में जाना, हैप्पीनेस, इंटरनली अपने आप को बैलेंस रखना, मतलब आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, कार्ड देख के शायद आप में से जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं बहुत कुछ समझ गए होंगे, बट चलो आगे डिटेल में देखते हैं। ओके, आप लोग अपनी लाइफ में, ठीक है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप हर एक एक पैसे की कीमत जानते हो, पैसे को सेव करना जानते हो, और मतलब ना एक चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि आपकी, आपका जो बैकग्राउंड है ना, मतलब इनिशियली आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बट आपने पैसों की कीमत समझी, पैसों की कद्र करते हो, और पैसों को, पैसों से कैसा पैसा बनता है, और पैसों मतलब कितना स्ट्रगल किया किया जाता है, ठीक है। अगर स्ट्रगल की कहानी बोलूं, अगर हार्ड वर्किंग की कहानी बोलूं ना, वो चीज मुझे आपकी दिख रही है। ओके, और तो ये जो लोग है ना, ये सेकंड वाला जो ग्रुप है, ये लोग एक्चुअली, ये लोग इतने ज्यादा बिजी रहते हैं ना अपने काम में भी, मतलब मुझे यहाँ पे ना वो टॉरस और अर्थ साइन वाले लोगों की एनर्जी आ रही है, टॉरस एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सो दे आर वेरी बिजी, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी, मतलब ना ये अपनी जॉब को, अपने काम को ना अपना भगवान मानते हैं। सो अगर यहां मैं चक्रव्यूह की बात करूं या विशेष सर्कल की बात करूं, तो आपका काम, आपका वर्क, या आप इवन अगर हाउस वाइफ हो तब भी आप जो काम करते हो, वो काम आपका चक्रव्यूह नहीं है, बट परफेक्ट चीजों के पीछे भागना, परफेक्शनिज्म के पीछे भागना, अपने डिजायर्स के पीछे एक्सेस भागना, अपने, आपके कुछ ड्रीम्स पूरे हो भी जाते होंगे, तो एक जैसी ड्रीम कंप्लीट होता है तो दूसरा ड्रीम चालू हो जाता है, तो एक के बाद एक डिजायर जो है ना डियर, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, आपको चैन की सांस ही नहीं लेने देती है, ठीक है। तो आपके दिमाग जो निरंतर चलता रहता है, ठीक है, मैं आगे से आगे ये करूं, मैं वो करूं, यू हैव अ हार्ड टाइम, आप शांति से कभी बैठे हो? कब ऐसा टाइम आया जब आप अपने साथ आराम से बैठे हो, अपनी फैमिली के साथ एकदम ना पीस में बैठे हो, और एक अच्छा एनवायरमेंट, एक लविंग एनवायरमेंट, एक हेल्दी एनवायरमेंट एंजॉय कर रहे हो? बिकॉज यहां ऐसा लग रहा है डियर, यू हैव अ, मतलब पाइलअप, आपके दिमाग में ना चीजें पाइलअप होती जाती है एक के बाद एक, और ये ऐसा है क्योंकि आप हार्डवर्किंग तो हो, तो आपके पास काम भी शायद आता होगा, और इवन अगर आप जॉब नहीं करते हो तब भी, मतलब आपके दिमाग में बहुत चीजें चलती है, अगर आप हाउसवाइफ हो तब भी आप बहुत सारे काम करते होंगे, ठीक है, आपकी हेल्थ खराब हो रही होगी तब भी आप काम करते रहते हो, करते रहते हो, आप शांति से ना अपने साथ एंजॉय करते ही नहीं हो। यहाँ पे आपका एक्चुअली विशेष सर्कल चालू हो जाता है, और वो चालू जब हो जाता है तो कभी खत्म नहीं होता। आप एक्चुअली काम में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो, इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ की बाकी चीजों को देख ही नहीं पाते हो। ओके, मतलब ये रूटीनली काम की एनर्जी जो होती है ना, मतलब स्ट्रांगली अगर मैं बोलू ना, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, अगर आप कैप्रिकॉर्न नहीं भी हो तो मकर राशि में आपके बहुत सारे ग्रह होंगे, तो जो मकर राशि में जब
लोगों के बहुत ज्यादा ग्रह होते हैं ना, वो लोग पता है कैसे होते हैं, मतलब सैटर्न रूल करता है, सैटर्न रूल करता है, शनि रूल करता है, और शनि क्या करवाता है ना, वो इतनी मतलब वो इंसान को इतना ज्यादा कैसे बोलूं, वो मतलब वो ही दी विल बी वेरी परफेक्ट, आप बहुत परफेक्ट होंगे अपने काम में, या आपको काम करना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब मुझे अगर बोलूं ना आपके लिए आपकी काम जो है ना, आपका वर्क जो है ना, वही जिंदगी है, अगर आपकी जिंदगी में वर्क नहीं रहे ना, अगर आपकी लाइफ से अगर वर्क को हटा दो ना, तो मतलब आपकी लाइफ 90% जो है ना कुछ शायद बचेगा नहीं, मतलब यहाँ ये भी लग रहा है कि आपका वर्क जो है ना बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप वर्क करना पसंद करते हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग इंटरप्रेन्योर होंगे, कुछ लोगों की 9 to 5 जॉब होगी, बट जो भी आपका काम है, और इवन आप में से कुछ लोग जो वर्क नहीं करते, स्पेशली अगर आप हाउसवाइफ और वर्क अर्न नहीं करते हो या आपका कुछ काम नहीं है, तो आप ऐसे लोग हो जो सबसे ज्यादा दुखी रहते हो, जो सबसे ज्यादा दुखी रहते हो, क्योंकि पता है क्या, ये उन लोगों की कहानी है, ये उन औरतों की कहानी है, उन औरतों की या उन लोगों की जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास वो काम नहीं कर पाते, या तो वो फैमिली में हाउसवाइफ बन के रह जाते हैं, या मतलब ना वो डेली का जो उनके घर के काम होते हैं ना, उनमें इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो बाहर जाके कुछ काम नहीं कर पाते, या जो भी ऐसी चीज, तो पता है ये लोग एक्चुअली अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं बिना काम की, इनकी जिंदगी तो ऐसी हो जाती है कि मतलब सफोकेटिंग वाली, ठीक है, ये उन औरतों की कहानी बताई मैंने, ठीक है, बट हाँ यस, आप में से जो लोग भी ये सेकेंड पाइल देख रहे हैं ना, ये पाइल एक्चुअली ये मतलब लाइक डियर जिंदगी ना, ये जिंदगी और ये वर्ल्ड, इसमें वर्क के अलावा, वर्क काम के अलावा ना बहुत सारी चीजें, बहुत 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 सारी चीजें, बट व्हाट हैपेंस ना, आप अपनी लाइफ में ना यू हैव बिकम सो हार्ड, ठीक है, आपका काम करते करते ना, और काम करते करते यू हैव बिकम सो लाइक कि आपने ना मतलब जैसे लोगों की फीलिंग्स, लोगों की इमोशंस, या जो ये चीजें होती है, मतलब शायद आपके पास ज्यादा टाइम ही नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में अगर आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपसे कोई लोग नाराज होते होंगे ना, आपके अपने अगर कोई नाराज होते होंगे, तो उनका यही एक रहता होगा, यार तू तो मुझे टाइम ही नहीं देता, यार तू तो मुझसे मिलने ही नहीं आता, ये जो चीजें होती है ना, ये आपको बार बार सुनने को मिलती होगी, और देखते हैं कौन से चक्र में फंसे, और देखते हैं प्लीज, एंड प्लीज याद रखना ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो, ठीक है, यस, 8 of Cups, जो ये लोग एक्चुअली जिस टाइप के विशेष सर्कल में फंसे ना, देखो सबसे पहली बात तो ये कि हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी प्यार किया हो और आपका प्यार एक तरफा प्यार रहा हो, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है, तो या ये चीज हो सकती है कि आपने जिसको बहुत पसंद किया हो, जिसको बहुत दिल दिया हो, ठीक है, या किसी ने आपको बहुत पसंद किया हो, बट वो जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो आगे नहीं चल पाया, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, मतलब एक एक ऐसा आपकी लाइफ का एक ऐसा रिलेशनशिप फेल दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप आप उस रिलेशनशिप के विशेष सर्कल में भी फंसे हो, बिकॉज जो वो रिलेशनशिप है ना, उसने कहीं ना कहीं आपके हार्ट को हील नहीं होने दिया, आपका जो दिल टूटा ना एक ऐसा फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से, तो उसके बाद आपका वो टूटा हुआ दिल कभी जुड़ नहीं पाया, ठीक है, चाहे या तो आप उनको पसंद करते थे या वो आपको पसंद करते थे, कोई भी ऐसी चीज थी, मतलब कोई एक होता ना बचपन वाला प्यार, मुझे बचपन वाले प्यार वाली फीलिंग आ रही, ये हो सकता है कि जब आप टीनेज में थे या
टीनेज में थे या कहते ना कॉलेज गोइंग में, कुछ ऐसा था कि, और इवन अगर बचपन वाला प्यार तो किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, उसका मतलब कहते हैं ना प्यार में जो मैडनेस कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज, किसी इंसान को आप बहुत दिलो जान से चाहते थे, ठीक है, बट कुछ परिस्थिति की वजह से वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें हुई तो उसकी वजह से नहीं हुआ. और दूसरी चीज ये यहाँ पे ये सी डियर, कहीं ना कहीं ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और जब मैंने इसका क्लैरिफिकेशन मांगा तो मुझे एट ऑफ वॉन्ड्स मिला. तो ये जो चीज है ना, ये मुझे यहाँ पे ये भी दिखाती है कि आप में से बहुत सारे लोग ना, ठीक है, मतलब कैसे बोलूं, अलाइंड कहते हैं ना, अलाइंड की काम करने की एक लिमिट होती है, काम काम कब कितना देर कितना वो चीज किया जाना चाहिए. मतलब यहां ऐसा लग रहा है कि डियर आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, आप थके हुए होते हो, फिर भी आप काम करते रहते हो, ठीक है, फिर भी आप चीजें करते रहते हो, ओके. और जब आप ड्रेन एनर्जी से जब जो चीजें करते हो ना, जो काम करते हो, तब एक्चुअली डियर ये जो है ना आपकी एनर्जी और खराब कर देता है, ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट लाइक, इट इज ऑल अबाउट ना, मतलब कि मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत गहरे डिप्रेशन का शिकार हुए हो, ठीक है, बहुत गहरे डिप्रेशन का, बहुत गहरे मतलब ना जिंदगी से, जिंदगी जीने की इच्छा जो है ना कहीं खत्म हो गई, या क्योंकि एक टाइम था जब आप शायद ना रात भर सोते नहीं थे, रात रात भर रोते थे, ठीक है, बहुत परेशान रहते थे. और ये जो चीज है ना, ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड थे, या जॉब नहीं थी, या आप जो अच्छा यस वन थिंग मोर, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो एक्चुअली कोई कोई अच्छी बड़ी चीज पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, या फिर कोई ऐसा चीज जो आप करना चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज भी हो सकता है. सो यस यहाँ पे ना देर इज सो मच अर्थ एनर्जी, तो जो ये अर्थ एनर्जी होती है ना, ये एक्चुअली इमोशंस जो फील करने वाली चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं उन इमोशंस और वो जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बाहर से दिखाते नहीं है, वो बाहर से बहुत कड़क रहते हैं. तो आप जो लोग ना, ये बहुत ही एक ऐसा रूटीन पसंद करते हो जो बस ऐसा रूटीन होना ही चाहिए, अगर इस रूटीन में कुछ चेंज हो गया ना तो मतलब ऊपर नीचे, मतलब जो स्ट्रेटेजी अपना ये जो जो चीजें ऑर्गेनाइज किए, बस ऐसा होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो ठीक है शायद बहुत गुस्सा आता है, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है. मैं एक दो कार्ड और निकालूंगी आपके विशेष सर्कल के बारे में, आपके चक्रव्यूह के बारे में, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सक्सेस करने से रोक रही है. लेट मी सी, परफेक्शन, सॉरी परसेप्शन, और मुझे परफेक्शन सुनाई दिया, सॉरी सुनाई दिया मतलब लाइक है ना. देखिए एक्चुअली आप जिस विशेष सर्कल में फंसे हो ना, ठीक है, ये एक इस टाइप का विशेष सर्कल है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना मेरी ये बात ना समझ पाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, मतलब लाइक आपका एम्बिशियस ठीक है, बट आपको है ना जो लगता है कि बस मैं ये काम करूंगा या करूंगी, मुझे अगर ये चीज मिल गई ना तो दुनिया का मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, आपके अंदर अगर ये चीज है ना, ये फीलिंग है, तो लिसन डियर, वर्क इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वर्क बहुत सारी चीजें नहीं है. आप जिन चीजों को यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में ना जो कितना फन मस्ती मजाक, बाहर घूमना, पिकनिक और शॉपिंग और ये जो चीजें होती है ना, लाइक इससे आपको बहुत इंजॉयमेंट कम मिलता है, ओके. यस यहाँ ये लग रहा है कि आप शायद स्टेब्लिश, आपकी फील्ड में जो जो लोग बहुत ज्यादा स्टेब्लिश है, बहुत ज्यादा सक्सेस पा रखी है, आप उनको देखते हो, ठीक है, आप उनको देखते हो कि यार वो लोग इतने बड़े हो गए और जो भी ये चीजें, और आप शायद बहुत ज्यादा अचीव ना कर पाओ, तो आपको ये चीजें ना मिराकल लगती है, ये चीजें बहुत बड़ी लगती है, ठीक है. तो आप यार इस बार की जो ये टैरो रीडिंग है ना, ये ऐसी आई है जैसे
मैं क्या बोलूं कि मतलब मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, ओके ये भी होता है कि ये भी चक्रव्यूह है, मतलब वर्क भी चक्रव्यूह है, काम भी अपना चक्रव्यूह होता है, तो आपके लिए एक्चुअली काम चक्रव्यूह है, ठीक है, आपका वर्क चक्रव्यूह, आपको लगता है कि आप काम करोगे, पैसे कमाओगे और सब चीजें, मतलब सब चीजें परफेक्ट होंगी, और बट वॉट हैपन ना, आपकी लाइफ की बहुत, आपकी जिंदगी का बहुत सारा पार्ट ऐसा जा रहा है जहां पे जो जिया ही नहीं है, जो आप सिर्फ एग्जिस्ट हुए हुए हो और जहां पे आप जिए ही नहीं हो, जहां पे जिंदगी दिल से खुशी से, कहते ना एक हर एक पल जीना और आनंद लेना, वो चीजें तो हुई ही नहीं है यहाँ पे, ये चीज दिखे, ठीक है। और चलो अब देखते हैं कि आपको इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए, लेट मी सी। ओके वेट, हाँ एक मिनट, सी एंजॉय क्लियर हियरिंग, प्योरिफाई योर बॉडी, और इसमें भी था काम योर माइंड बॉडी एंड सोल। ओके मतलब अगर मैं एक बात बोलूँ ना आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए फर्स्ट चीज मेडिटेशन करो, ठीक है, बिकॉज जितना आप मेडिटेट करोगे ना उतना ज्यादा आपका माइंड जो है ना वो बहुत क्लियर होगा, और उतना ज्यादा आपका क्राउन चक्रा जो है ना वो ओपन होगा। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि डियर आपका अगर सिर्फ मैं मतलब क्राउन चक्रा और जो थर्ड आए ना, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आए, ये अगर आपने इस पे वर्क किया ना डियर, आपकी लाइफ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आप क्राउन चक्र थर्ड आई के जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स होते हैं ना, आप वो भी सुन सकते हो, ओके। एंड देन उसके बाद आता है सोलर चक्रास, ठीक है, सोलर प्लेक्सस, इन दो चक्रास पे आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है। मतलब मुझे अगर बोलो ना, आपकी जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो ऊपर के चक्रास फर्स्ट एंड देन मिडल और उसके बाद सोलर प्लेक्सेस, ओके। शायद आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखते हो, ठीक है, आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। ओके सी वैम्पायर, सी देखिए, सबसे पहले तो ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है, ये इस वेम्पायर, ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, आई होप दिख रहा है, यस, जो ये कार्ड है, ये कार्ड एक्चुअली ये दिखाता है कि अगर आपके आसपास की स्पेस क्लीन नहीं है, या कुछ कोई ऐसी स्पेस है जो क्लीन नहीं है, ठीक है, आपके घर में हो सकती है या आपके ऑफिस में हो सकती है, ठीक है, तो एक तो वो चीज आपको सही करनी है। एंड यस, इवन आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के साथ हो, ठीक है, जो आपसे जबरदस्ती बोलूं या आपको मैनिपुलेट करके आपसे बहुत सारा काम करवाते हैं, ठीक है, वो आपको ऐसा ऐसा दिखाते हैं, ऐसा विश्वास आपको ऐसा विश्वास करने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं काम करो, डू द वर्क, और मतलब पैसा कमाओ, पैसों के पीछे है ना, पैसा मतलब एक होता है ना जिंदगी में कि मतलब आपकी लाइफ में, आपके कॉन्टेक्ट में कुछ ऐसे लोग आते होंगे जो बोलते होंगे कि यार ये देखो ये तो बहुत अच्छा कमा रहा है, या ये वहां गया, जो भी ऐसी चीजें ना जो इनको सुन के आप विचलित हो जाते हो और आपको लगता है कि नो नो नो, आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग, ठीक है, वो चीज है। तो आपको ना एक्चुअली बाकी लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं होना है, और ठीक है, एंड वन थिंग,
डियर, ना पता है आप अपनी लाइफ के, मतलब कैसे बोलूं, आप अपनी लाइफ में बहुत रूटीनली जिंदगी जीते हो. हर एक दिन का जैसे होता है ना, नॉर्मली क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, बहुत ही ऐसी चीजों के साथ आप अपनी जिंदगी जीते हो. तो आप अपनी लाइफ की ना ग्रेटर पिक्चर, जो कहते हैं ना ग्रेटर अच्छी चीजें, वो नहीं देख पा रहे हो. ठीक है, जैसे मतलब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई खुशी हो जो बहुत अच्छी हो, लाइक स्मॉल बेबी, और इवन आपके आसपास फैमिली, फ्रेंडशिप, लव, ठीक है, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ट्रिप, ये जो चीजें होती है ना, शायद आप ये नहीं देख पाते हो, इसमें ज्यादा टाइम एंजॉय नहीं करते हो. ठीक है, आप अपनी लाइफ का ग्रेटर पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर की यार मेरी जिंदगी काफी ब्यूटीफुल है, या मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मतलब जो ये चीजें नहीं होती, मतलब लाइक कैसे बोलूँ, अफर्मेशन नहीं होता कि लाइक सेल्फ लव, माई लाइफ इज गुड एंड ग्रेट एंड आई एम, वो जो चीजें होती ना, वो चीजें आपकी लाइफ में आप करो. ओके, सी द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, एंड आप शायद अपनी लाइफ के बहुत अच्छी अच्छी चीजों को नहीं देख पा रहे हो. अच्छी अच्छी चीजें जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, जो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है. ठीक है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ भी ऐसी चीज होती है ना, जो मतलब पूजा, कीर्तन, नाम सिमरन, या जो भी ऐसी चीजें होती है, वो चीजें अगर आप करोगे ना डियर, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, यू नीड टू हील समथिंग इन योर लाइफ. ओके, और ये जो पर्पल कलर है ना, ये मुझे वापस से फिर से अपर चक्रास की बात कर रहा है. तो आपके अपर चक्रास को हील करना, स्पेशली जो क्राउन चक्रा और ये जो चक्रास होते हैं ना, ये एक्चुअली हील, सिर्फ मेडिटेशन तो नहीं कहूंगी, बट यस, मेडिटेशन से काफी हद तक ये चीजें हील हो जाती है. ओके, यस, क्राउन, थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा, ये तीन चक्रास, एंड देन हार्ट, एंड देन सोलर प्लेक्सिस. ओके, बिकॉज आपने बहुत टाइम तक काम किया है, बहुत मेहनत करी है, जिसकी वजह से आपकी ना जिंदगी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो है. ठीक है, कि देखो ही और शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो कितनी मेहनत करता है, ये करता है, बट कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से कुछ चीज मिसिंग है. ठीक है, और ये जो चीज मिसिंग है ना, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से बेहतर जानते हो, और इसी चीज को हील करना है आपको. ओके, एंड देन गुड नाइट, गुड स्लीप, स्लीप टाइट, आप अच्छे से सो, रेस्ट करो, एंजॉय करो. ओके, और देखते हैं. ये जो कार्ड ना, देखिए ये जो कार्ड ना, मुझे मतलब लिटरली मुझे ये चीज दिखा रहा है कि आपने आपकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है ना, वो बहुत अलग डिफाइन कर रखी है. आपको लगता है कि ओके, वर्क में सक्सेस मिल जाएगी, एम्बिशंस पूरे हो जाएंगे, या ये चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो ही हैप्पीनेस है. नो नो, हैप्पीनेस इज समथिंग जो हम, जो एक्चुअली इन सब चीजों से रिलेट ही नहीं करती, और वही हैप्पीनेस शायद आपको ढूंढने को बोला जा रहा है. ठीक है, और वो हैप्पीनेस ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, जैसे ही आप नेचर में जाओगे, और जैसे ही आप एक बार ना, जो जो चीजें आपने कंट्रोल कर रखी है, जो जो चीजें आपने पकड़ रखी है, ठीक है, उन सब चीजों को जब लेट गो करोगे और एक डीप ब्रीथ लोगे ना, आपको सच में पता पड़ जाएगा. अदरवाइज पता है क्या होता है, अदरवाइज ये होता है कि आपकी लाइफ में एक्चुअली ऐसे सिम्टम्स आते हैं, रेड सिग्नल, ऐसे रेड सिग्नल आ जाते हैं जो आपको है ना मजबूर कर देते सोचने पे. फॉर एग्जाम्पल, अचानक से हेल्थ में कुछ खराब हो जाता होगा, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो जाती होंगी जहां पे आपका काम रुक जाता होगा. ठीक है, मतलब क्योंकि आप लोग, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग यार, आप बहुत मेहनत करते हो, और आप मेहनत करना पसंद करते हो, तो आप जब तक ना
मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज कह रही हूँ कि नेचर ना अपने आप बैलेंस करती है, ठीक है। नेचर अपने आप बैलेंस करती है, बॉडी अपने आप बैलेंस करती है। खुद की बॉडी जो होती है ना, हमारी खुद की बॉडी, वो खुद को बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए एकदम से ना कुछ ऐसी चीजें दिखाती है, ऐसी चीजें करती है, ऐसे सिम्टम्स देती है ना कि हमें रुकना ही पड़ता है हमारे। तो अगर आपने बीच बीच में ब्रेक्स नहीं लिए, अगर आपने नेचर से खुद के साथ कनेक्ट नहीं हुए, तो आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आपका काम एकदम हॉल्ट हो जाता होगा, एकदम बंद हो जाता होगा। तो आपको इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है गाइज। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग इम्ब्रेल वालों की। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।